जिले के कलेक्टर के आदेशानुसार अवैध रेत उत्खनन करने वालों के रेत माफियाओं पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया था, जिसके तहत आज एसडीएम डबरा के द्वारा तहसीलदार को अवैध रेत उत्खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया। आज इसी कड़ी में डबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुरगट्टी के महानदी के घाट से अवैध रूप से रेत उत्खनन के लिए नदी में 4 ट्रैक्टर में रेत भर रहे थे। इसकी सूचना तहसीलदार डबरा भोज कुमार डहरिया को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल थाना डबरा और तहसीलदार की टीम के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करने मौके पर पहुंचे, जहां महानदी से अवैध रूप से रेत खनन कर ट्रैक्टर में लोड कर रहे ट्रैक्टर को जब्त कर डबरा थाने के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं एक तरफ जहां देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है और महामारी के संक्रमण से डर रहे घर में ही लोग रह रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 30 जून तक किया गया है, वह धारा 144 लागू की गई है। इसके बाद भी सारे नियमों को ताक में रखकर ट्रैक्टर मालिकों के द्वारा अवैध रूप से महानदी से रेत उत्खनन का कारोबार लगातार चल रहा था, मगर आज सूचना मिलने पर तहसीलदार डबरा और थाना डबरा की टीम मौके पर पहुंचकर 4 ट्रैक्टर जब्त कर थाने की सुपुर्द किया गया। आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सौंपा जाएगा, जबकि डबरा क्षेत्र के महानदी बोराई नदी से अवैध रूप से रेत उत्खनन लगातार रेत माफियाओं द्वारा ग्राम उपनी चंदली चंद्रपुर मांझी डेरा कुरघट्टी सिरियागढ़ से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर शासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। डीएनएक्स टीवी के लिए जांजगीर से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब के निर्देश था कि अवैध रूप से जो रेत उत्खनन किया जा रहा है उस पर नियंत्रण किया जाए और कार्रवाई की जाए। इसी तारतम में आज एसडीएम साहब के मार्गदर्शन पर पुलिस विभाग और राजस्व विभाग का संयुक्त दल हमारे डबरा क्षेत्र में विभिन्न रेत खदानों पर की जा रही परिवहन का कार्यवाही किया गया और इसमें 4 ट्रैक्टर हमको अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हुए पाया गया। उन 4 ट्रैक्टरों को जब्त कर थाना डबरा के सुपुर्द किया गया है। आगे कार्यवाही के लिए जिला कार्यालय भेजा जा रहा है।